नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2022 प्रीलिम्स में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ। अ न्यू कैबिनेट कमिटी हेडेड बाय द पीएम कैन बी क्रिएटेड बाय। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा यह जा रहा है कि कैबिनेट कमिटी कौन क्रिएट करेगा। पहला, रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। गलत, पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन से कैबिनेट कमिटी क्रिएट नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है। कैबिनेट कमिटी कभी भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से क्रिएट नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ द पीएम एंड द रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दोस्तों, सही जवाब होगा इसका सी। कैबिनेट कमिटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से इसे क्रिएट किया जाता है। सो सही जवाब होगा इसका सी। ठीक है, सो दे आर सेटअप बाय द पीएम, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन एमरजेंस, एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 प्रोवाइड्स फॉर देयर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं और ये दोनों स्टेटमेंट हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So, पहला, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर एंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स हैव द फीचर ऑफ सेल्फ इनएक्टमेंट। तो दोस्तों, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जैसे जैसे जो चीज लिखी है वैसे वैसे वही होगी। दैट इज एब्सोल्यूटली फॉल्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में अगर लिखा हुआ है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप जो मर्जी बोलो। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो अपने साथ में क्या लेके आते हैं, वो अपने साथ में रेस्ट्रिक्शंस लेके आते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सब में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। ऑल द फंडामेंटल राइट्स हैव द फीचर ऑफ सेल्फ इनएक्टमेंट। अब देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो फंडामेंटल राइट्स में दिया है, इसका मतलब वो आपको मिलेगा। सरकार को कोई कानून बनाने की, लॉ बनाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये सेल्फ इनएक्टमेंट का फीचर अपने साथ रखता है, नो नीड ऑफ अ लॉ। लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 17 जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन आर्टिकल 17 कहता जरूर है, लेकिन जब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी तब तक सामने वाले को सजा नहीं। तो वो फंडामेंटल राइट अपने साथ सेल्फ इनएक्टमेंट का फीचर लेके नहीं आता, तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इज नीदर वन नॉर टू, दैट इज डी। ठीक है, आर्टिकल 17 के अलावा आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सेल्फ इनएक्टमेंट का फीचर अपने साथ लेके नहीं आते। ठीक है, लॉ बनाना पड़ेगा अगर इन्हें इन्फोर्स करना। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, द यूनियन मिनिस्टर हु इज अ मेंबर इन द लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा एंड वाइसी वर्सा। देखो, अगर कोई मंत्री जो कि लोकसभा का मेंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर लेते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह मंत्री है और लोकसभा के सदस्य हैं, तो क्या वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और उसी तरीके से अगर कोई राज्यसभा का मंत्री है तो वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस। देखो दोस्तों, हमारे सिस्टम में ये एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो तो भी आप 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकते हो, और अगर आप 6 महीने तक मिनिस्टर हो तो आप किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। ठीक है, मनोहर पारिकर, द लेट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
पार्टिसिपेटेड इवन व्हेन ही वाज नॉट अ मिनिस्टर, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. इवन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, जब उन्हें मंत्री बनाया गया तब वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे. क्वेश्चन नंबर फोर, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं. पहला, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. देखो दोस्तों, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा भी होता है. तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज राज्यसभा के मेंबर्स को भी अवेलेबल है. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मैटर्स में डिसाइड करने की जो अंतिम अथॉरिटी है वो लोकसभा के स्पीकर के पास है. सिमिलरली राज्यसभा में राज्यसभा की चेयरमैन के पास, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है. सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली ट्रू. ठीक है, सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 इज अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं. आपको बताना है कि यहां पे कौन से एक्ट की बात की जा रही है. इट टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस. इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी पेंडिंग बिजनेस बिफोर द हाउस. इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट से आपको यह पता चल जाएगा कि अडजर्नमेंट और अडजर्नमेंट सिनेडाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किए जाते, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा किए जाते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नाउ इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी पेंडिंग बिजनेस बिफोर द हाउस एंड इट टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस. तो डिसॉल्यूशन मतलब होता है कि मतलब पूरा का पूरा हाउस ही डिसॉल्व हो गया, यानी कि फिर इलेक्शन होंगे. और प्रोरोगेशन मतलब होता है किसी सेशन को टर्मिनेट करना. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा गाइज. क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया ओपन बैलेट मेथड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस. भारत में इनमें से कौन से चुनावी प्रक्रिया में ओपन बैलेट मेथड का यूज होता है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बिल्कुल नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बिल्कुल नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन में बिल्कुल नहीं, राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन में बिल्कुल सही. ओपन बैलेट होता है दोस्तों. ओपन बैलेट में क्या होता है, जब आप वोट करके आते हो तो आप अपना बैलेट पेपर जो है वो अपने पार्टी के किसी पर्टिकुलर एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होता है उसको आप दिखाते हो कि भैया मैंने पार्टी के हिसाब से ही वोट किया है. इसे कहा जाता है ओपन बैलेट. अब आप सोच सकते हो कि ये तो मतलब सीक्रेसी ऑफ वोट के खिलाफ हुआ, तो बिल्कुल हुआ, लेकिन ओपन बैलेट राज्यसभा इलेक्शन में प्रैक्टिस किया जाता है, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होता है. आपने किसको वोट दिया, आपको किसी को बताने की नीड. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी. क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर. There is a system of joint sitting in state legislature to resolve the deadlock between the two houses on passing the bills. If an ordinary bill passed by the council is terminated to the assembly and rejected by the latter, there is an end to the bill. So, दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में एक सिस्टम है जॉइंट सिटिंग का. अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग होती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में यह सिस्टम नहीं है. स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है. क्यों नहीं है? सबसे पहला कारण तो यह है कि इंडिया के सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे दो हाउसेस हैं, बाकी तो सारे एक ही हाउस वाले स्टेट्स हैं. जिन स्टेट्स में दो हाउस हैं भी वहां पे भी काउंसिल को बहुत कम पावर दी जाती है, जैसा कि सेकेंड स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं. अगर काउंसिल ने कोई ऑर्डिनरी बिल पास किया है असेंबली को और असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल एंड हो जाता है. तो जब असेंबली के पास इतनी जबरदस्त पावर्स हैं तो जॉइंट सिटिंग की तो जरूरत ही नहीं. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, दैट इज ओनली. क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट. दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे होते हैं उस समय राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका डिप्टी चेयरमैन निभाते हैं.
ऐसा नहीं होता कि वाइस प्रेसिडेंट दोनों काम एक साथ करें। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे गलत। नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सही है। हमारे संविधान में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सो व्हाई वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द राज्यसभा चेयर। क्वेश्चन नंबर 9, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स बट हैज सम सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स, द गवर्नर हैज ओनली द सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन नहीं है, कोई डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो समय को देखते हुए प्रेसिडेंट ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रपति के लिए किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन नहीं की है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, द गवर्नर हैज ओनली द सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी मेंशन हैं। ठीक है, तो नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, नॉट करेक्ट होगा बी। इन एडिशन टू द अबव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, द गवर्नर ऑल्सो हैज द सिचुएशनल डिस्क्रिशन। आखिरी सवाल दोस्तों आज के हमारे इस पॉलिटी के सेशन का, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो दोस्तों, मिनिस्टर्स की सैलरीज अलाउंसेस जो भी हैं पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। आप खुद लॉजिक लगाओ कि क्या किसी की सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी, बिल्कुल नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत है। स्पीकर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ये भी गलत है। स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते हैं, बल्कि स्पीकर के पास पावर होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करने का। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। स्पीकर को यह पावर दिया गया है कि स्पीकर जो है वो चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होगा आज का आखिरी सवाल का आंसर। तो दोस्तों, आज का ये पॉलिटी का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। मैं आप सभी से मिलता हूं अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी रिवीजन की सीरीज है ये आपको पसंद आ रही होगी, और 2022 प्रीलिम्स के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको सच में ये पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए इन वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी। धन्यवाद।